राजधानी दिल्ली में जिस पुरानी एक्साइज पॉलिसी की जगह दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी, जी हाँ, वही नई एक्साइज पॉलिसी जो बीते एक साल से केजरीवाल सरकार के गले की फांस बनी हुई है। जी हाँ, वही एक्साइज पॉलिसी जिसके लागू होने के बाद केजरीवाल सरकार पर घोटाले के आरोप लगे, मनीष सिसोदिया को जेल तक जाना पड़ा, इतना बवाल हुआ कि जिस नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी उसे वापस लेते हुए फिर उसी पुरानी एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में लागू करना पड़ा जिसे बदला गया था। और अब खबर यह है कि उसी पुरानी एक्साइज पॉलिसी को केजरीवाल सरकार ने आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जी हाँ, बता दें कि नई एक्साइज पॉलिसी के विवादों में आने के बाद बीते साल केजरीवाल सरकार ने फिर उसी पुरानी एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में लागू कर दिया था जिसकी मियाद 30 सितंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में एक बार फिर केजरीवाल सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीते साल नई एक्साइज पॉलिसी में अनियमितता बरतने के चलते दिल्ली के LG ने CBI जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने नई पॉलिसी को वापस ले लिया था और दिल्ली में पुरानी एक्साइज पॉलिसी को 6 महीनों के लिए लागू कर दिया था। साथ ही सरकार को ये निर्देश दिए गए थे कि साल 2023-24 के लिए केजरीवाल सरकार एक्साइज पॉलिसी बनाए, लेकिन अब तक सरकार कोई एक्साइज पॉलिसी नहीं बना सकी जिसके चलते एक बार फिर से पुरानी एक्साइज पॉलिसी को आगे के 6 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वही बात अगर शराब घोटाले के ताजे अपडेट की जाए तो मामले की ED वाले एंगल से जांच की जा रही है। चार्जशीट कोर्ट में पेश की जा चुकी है जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।